हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वस, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, ABSIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस आयलर थ्योरम। इस लेक्चर में हम आयलर की थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। आयलर की थ्योरम लगाई कहाँ जाती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। जब भी कोई फंक्शन होमोजीनियस होता है, हम वहीं पर आयलर की थ्योरम लगा सकते हैं। हर जगह पर आयलर की थ्योरम को नहीं लगाया जाता। हमारा कोई भी फंक्शन है, अगर वो फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, तो होमोजीनियस फंक्शन अगर नहीं है तो वहाँ हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद ही उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन होमोजीनियस हो तो हम उसके लिए पूरा एक्सप्रेशन निकालने की, अलग अलग कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। हम थ्योरम से भी आंसर दे सकते हैं, थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है, उसको एक बार समझते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन को समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। लेट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। मेरे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखता है, इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। ऑफ डिग्री n, यही n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है इफ इन ईच टर्म इन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैव सेम पावर। हर टर्म के अंदर अगर एक्स वाई की, दोनों मिलाकर के एक्स वाई की अगर सेम पावर हो जाती है तो फंक्शन इज होमोजीनियस। कंसीडर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए नॉट एक्स टू दी पावर एन ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाई ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स वाई टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन y टू दी पावर n, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में यहाँ x की n पावर है, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन है, लेकिन y की पावर 1 है, तो टोटल मिलकर के n डिग्री हो जाएगी। इस टर्म में देखें तो x की पावर n माइनस टू है, लेकिन y की पावर 2 है, तो दोनों मिलकर के n हो जाएंगी। यहाँ पे अगर देखें तो x की पावर 1 है, लेकिन y की पावर n माइनस वन है, तो दोनों मिलकर के n हो जाएंगी। और यहाँ पे देखें तो y की पावर n है, यानी हर एक टर्म के अंदर इक्वल पावर हो रही है x और y की, इसीलिए हम कह रहे हैं ये फंक्शन इज होमोजीनियस, यानी ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। और चूंकि हाईएस्ट पावर उस पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म में n आ रही है, तो इसीलिए हम उसे कह रहे हैं कि ये फंक्शन n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो ऐसे हम किसी फंक्शन को n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कह देते हैं। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है, उस फंक्शन से मैंने एक्स टू दी पावर एन को कॉमन निकाल दिया। अगर मैं कॉमन निकालूं, यहाँ पे ए नोट ए वन ए टू ए एन सभी कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो अगर मैं एक्स की पावर एन को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ ए नोट हो जाएगा प्लस यहाँ वाई अपॉन एक्स हो जाएगा ए वन के साथ प्लस ए टू
ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए थ्री ये वाई टू दी पावर थ्री अपॉन एक्स टू दी पावर थ्री हो जाएगा, प्लस अप टू एंड सो ऑन। यहाँ पे ए एन वाई टू दी पावर एन अपॉन एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा। यानी इसी पॉलिनोमियल को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, वो ये बनेगा एक्स टू दी पावर एन इंटू ए नोट प्लस ए वन वाई अपॉन एक्स, यानी इसकी पावर यहाँ वन हो गई है, यहाँ पे देखें तो वाई अपॉन एक्स की पावर जीरो है, प्लस ए टू वाई अपॉन एक्स की पावर टू, प्लस अप टू एंड सो ऑन ए एन ये वाई अपॉन एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। यानी हम देखें तो हमारे फंक्शन में हर जगह पे वाई अपॉन एक्स आ रहा है, यानी वाई अपॉन एक्स एक इंक्रीजिंग पावर में एक फंक्शन बन गया है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन एफ ऑफ, हर जगह पे चूंकि वाई अपॉन एक्स आया है तो मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ। यानी इस फंक्शन को देखें तो ये भी चूंकि उसी फंक्शन को मैंने केवल कन्वर्ट किया है, इट इज ऑल्सो दी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ये भी एन डिग्री का ही होमोजीनियस फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है कि यहां पर इस फंक्शन की डिग्री को अगर देखें तो इन फंक्शन की डिग्री एन हो रही है, और चूंकि यहां पर वन अपॉन वन देखें तो वन माइनस वन जीरो, यानी ये फंक्शन मुझे जीरो डिग्री दे रहा है और ये फंक्शन मुझे n डिग्री दे रहा है, तो टोटल मिलाकर के जब मैं देखूंगा तो वो n ही आएगा, यानी n डिग्री का ही होमोजीनियस फंक्शन है। सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन से, जैसे मैंने x टू दी पावर n को कॉमन निकाला, अगर मैं y टू दी पावर n कॉमन निकाल दूं तो ये एक और दूसरा फंक्शन आ जाएगा जिसे मैं इस फॉर्म में कह सकता हूँ। यानी ये भी मेरे पास एक n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो अगर यानी स्टूडेंट कोई मुझे पॉलिनोमियल उस फॉर्म में मिले, कोई फंक्शन मुझे इस फॉर्म में मिले, या कोई फंक्शन मुझे इस फॉर्म में मिले, तो मैं उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहूँगा ऑफ डिग्री एन का, यानी एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। स्टूडेंट सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किसी होमोजीनियस फंक्शन को चेक कैसे करूँगा। तो चेक करने का एक तरीका होता है कि इफ एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल्स टू टी टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई हो जाए तो फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन। यानी इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, यानी ये मेरे पास एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। ये मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि t की पावर n चूंकि यहाँ पे आया तो n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, और फंक्शन अगर सेम कंडीशन पे आ जाए तो उसे हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैं ये देखना चाहता हूँ ये होमोजीनियस फंक्शन है क्या। तो अगर मैं इसको होमोजीनियस फंक्शन देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने अपने फंक्शन में x की जगह पे tx और y की जगह पे ty को रिप्लेस किया, तो ये t स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2t स्क्वायर xy हो जाएगा, और ये t स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसमें से t स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो t स्क्वायर कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। यानी मैंने ये देखा कि ये फंक्शन फिर से f ऑफ एक्स वाई ही आ गया है, f ऑफ एक्स वाई, यानी f ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई हुआ। इट इज होमोजीनियस फंक्शन, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, सॉरी इक्वल्स टू टू, यानी ये मेरे पास एन इक्वल्स टू टू, यानी टू डिग्री का
एक होमोजीनियस फंक्शन है, और ये टू मुझे कहाँ से पता चल रहा है, वो टी टू दी पावर टू से पता चल रहा है, यानी यहाँ से मैंने निकाला कि वो उसकी पावर टू दे रहा है, तो ये टू डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस वाई टू दी पावर फोर अपॉन एक्स वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, और ये अपने आप में एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई। अब पहले तो मैं इसकी डिग्री ही देखूं, अगर हर टर्म पे इक्वल बराबर है, पावर बराबर है, तो यहाँ पर फोर, तो ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री बराबर है, इसकी भी वन है और इसकी भी वन है, तो नीचे वाले की भी बराबर है, यानी ये अपने आप में दोनों तो होमोजीनियस हैं। लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री निकालना चाहता हूँ फंक्शन की, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, फंक्शन में एक्स की जगह पे टी एक्स रखूँ और वाई की जगह पे टी वाई, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर फोर एक्स टू दी पावर फोर टी टू दी पावर फोर वाई टू दी पावर फोर अपॉन टी एक्स कोमा प्लस टी वाई, यानी ऊपर से टी की पावर फोर कोमन आएगा और नीचे से टी कोमन आ जाएगा, एक्स टू दी पावर फोर प्लस वाई टू दी पावर फोर अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये टी टू दी पावर थ्री हो जाएगा और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, यानी जो आपका एफ ऑफ टी एक्स है कोमा टी वाई वो इस तरीके से बराबर आया, तो ये मेरा फंक्शन होमोजीनियस है, और चूंकि मुझे उसकी डिग्री भी पता करनी थी, तो उसकी जो डिग्री है इसमें अगर मैं देखूँ तो एन इक्वल्स टू थ्री हो गया है, यानी ये थ्री डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अगर हमें होमोजीनियस फंक्शन के बारे में पता चल गया हो, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आयलर एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी, अब हम उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं, आयलर्स की थ्योरम। आयलर ने अपनी थ्योरम में क्या कहा, आयलर ने अपनी थ्योरम में ये कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। अगर एफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है टू वेरिएबल का, अभी थ्री पर भी बात करेंगे, फोर पर भी बात करेंगे, एन पर भी बात करेंगे, अभी हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर एफ ऑफ एक्स वाई दो वेरिएबल का एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है, देन उसके लिए ये कहा कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू, यानी अगर मैं उनके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव निकालूं और उस फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ x वाले पार्शियल डेरिवेटिव के साथ x का मल्टीप्लाई करूं, y वाले के साथ y का मल्टीप्लाई करूं, तो वो एन यू के बराबर आता है। u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी अगर मैं इस फंक्शन को u के बराबर मान लूं, तो ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इस तरीके से बराबर आता है। हम इस थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू एन एफ। हम इस थ्योरम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्योंकि इस थ्योरम में दोनों ही जो डेरिवेटिव आए वो फर्स्ट ऑर्डर के आए हैं, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के आए, तो ये जो थ्योरम होती है वो फर्स्ट ऑर्डर आयलर थ्योरम कहलाती है, यानी ये केवल फर्स्ट ऑर्डर की एक थ्योरम है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या सेकंड ऑर्डर की भी कोई थ्योरम होती है? हाँ, सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें यूज किए जाएंगे आयलर की, वो भी एक थ्योरम है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस लेक्चर में केवल फर्स्ट ऑर्डर की ही थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। तो आयलर ने ये कहा,
अगर कोई भी फंक्शन आपके पास होमोजीनियस है तो आपको उसको सॉल्व करने की, डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करके ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, वो एन अपनी डिग्री और साथ में फंक्शन के मल्टीपल होने के बराबर ही आता है। तो स्टूडेंट, जब भी हम इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे, इस थ्योरम को वैल्यू हमें बतानी होगी इस डेरिवेटिव की, तो उसके लिए हमें एक वर्किंग रूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, अगर हम उस वर्किंग रूल को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो थ्योरम हमने आपके सामने लिखी है उस थ्योरम को हमें प्रूफ भी करना होगा। तो पहले इस थ्योरम का प्रूफ समझ लेते हैं कि कैसे इस थ्योरम को प्रूफ किया गया है। तो प्रूफ भी सिलेबस में है और प्रूफ करने के लिए आता भी है, तो इसलिए स्टूडेंट आपको इसका प्रूफ करना आना भी चाहिए। तो प्रूफ क्या है इसका, क्योंकि एन डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन कहा है, तो मैंने ये लेट किया कि यू इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स इज दी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, यानी ये एन डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन है। देन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमें इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए हैं, प्रोडक्ट का रूल देना पड़ेगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू, मुझे अंदर वाले फंक्शन एफ में जो वाई अपॉन एक्स है उसका भी करना पड़ेगा, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम अगर इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन, दोनों तरफ एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स, चूँकि एक्स का मल्टीप्लाई हुआ है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मैंने इसे वाई अपॉन एक्स कह दिया है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन कंसिडर कर लिया है। अगेन अगर जो गिवन फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब हमें उसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करना है। अगर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसी फंक्शन का तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन एक कॉन्स्टेंट है, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश होगा y अपॉन एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा अपॉन एक्स। अगर मैं दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई कर दूं तो y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, इसे मैंने इक्वेशन नंबर टू कहा। तो चूंकि हमारी थ्योरम में दोनों फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव जब x और y से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनका सम किया जाता है, तो हम यहां पर भी दोनों का सम कर देते हैं, तो एडिंग वन एंड टू, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, आप वन और टू में देखिए ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है ये दोनों इक्वल हैं और निगेटिव और पॉजिटिव के साथ, चूंकि यहाँ पे एक माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल ये पार्ट बचा रह जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा n x टू दी पावर n f ऑफ y अपॉन x, और ये जो फंक्शन आपके सामने हैं इसको मैंने स्टार्टिंग में ही u कहा है, यानी इसकी जगह पे मैं u रख सकता हूँ, यानी x डेल यू अपॉन डेल x y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थ्योरम ऑफ आयलर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो स्टूडेंट,
हमने इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम को यूज करके कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमें किसी फंक्शन को सॉल्व करना होगा, कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तो पहले उस फंक्शन की डिग्री पता करनी होगी और ये पता करना होगा कि फंक्शन होमोजीनियस है क्या। स्टूडेंट, इस थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हमें ये समझना है, और फिर एक वीडियो में हमें ये भी समझना है कि क्या इस थ्योरम के और भी एप्लीकेशंस हैं क्या। तो इस थ्योरम के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत एप्लीकेशन हैं इस थ्योरम के, उसे भी हम लगभग दो वीडियो में पढ़ेंगे। एक में अभी वन ऑर्डर के ही कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको समझेंगे, और फिर एक वीडियो में टू ऑर्डर के डेरिवेटिव की कैसे आयलर की थ्योरम बनाई जाती है फिर हमें उसको भी समझना है। तो एक वीडियो में हमें ये भी समझना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।